So today I made video for that review of my KTM RC390 BS3 last edition, that means 2017. So I brought it 1st March 2021, so it's nearly 1.5 years this bike is with me. So yeah, and I brought it around 110,000 with. So after purchase bike, I made some modification. First of all, I installed this flame slider, that is Biker Bullet. This cost me around 4,500 like, and I brought it from Amazon. And I brought it this bubble windshield from Cheap Moto, Trivandrum, I think, situated at Trivandrum, that Cheap Moto. And I brought it this winglet from Flipkart. This cost me around 450, and this windshield cost me around 1,500 like. And this slider, actually I brought it from Flipkart around 850. ये फोर मतलब चार मिलता है, लेकिन एक ही मैंने लगाया. और जो मतलब ये तीन साइड का जो होता है, मतलब रियर में दो और इस साइड पे, इसका अभी तक मुझको नाट नहीं मिला. ऑलमोस्ट 2 महीने हो गया, सो वो मैंने अभी तक इंस्टॉल नहीं कर पाया. तो यही बात है. एंड गाड़ी को लेने के मतलब गाड़ी जब मैंने लिया था उस टाइम पे गाड़ी उतना अच्छा कंडीशन में नहीं था. सो ऑलमोस्ट मेरा 15,000 का लगभग गाड़ी को लेने के बाद मतलब सर्विस कराना पड़ा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये चेंज को भी चेंज करना पड़ा मुझे मेरे को. एंड उस टाइम पे मैंने रोल ऑन का ब्रास कोटिंग चेन लगाया. ये नियरली इस कॉस्ट में अराउंड 3,200 फ्रॉम इलाडेल स्टोर. एंड ये जो बाइक में जो टायर लगा हुआ है सीएट का, सीएट दिस टायर इज नॉट एक्चुअली गुड फॉर आरसी और ड्यूक लाइक बाइक, क्योंकि ये टायर थोड़ा सा हार्ड कंपाउंड में है. सो इसका प्राइस कम है. सो एक्चुअली जब मैंने ये बाइक लिया था उस टाइम पे ये टायर लगाया हुआ था. एंड दैट टाइम टायर एक्चुअली इज इन न्यू कंडीशन, तो मैंने ये टायर चेंज नहीं किया. अभी तक भी मैंने टायर चेंज नहीं किया. टायर अभी तक मतलब ठीक ठाक कंडीशन पे है, क्योंकि ये हार्ड कंपाउंड टायर है ना. तो इसके लिए मतलब आप इसका मतलब आप ज़्यादा किलोमीटर चला सकते हो, लेकिन इसका ग्रिप अच्छा नहीं है. सो सीएट का दोनों मतलब फ्रंट एंड रियर पे सीएट ही लगाया हुआ था इसका प्रीवियस ओनर ने. सो मैंने ये चेंज नहीं किया, करूँगा एक साल के बाद. और मतलब टायर और थोड़ा सा चला के मैं ये टायर फेंक दूंगा. तो दिस इज़ द थिंग. एंड 1.5 साल में मैंने ऑलमोस्ट लगभग मेरा अभी मैंने ये गाड़ी 16,000 ओडो पे लिया था, एंड अभी मेरा जो है 20,784 ऑलमोस्ट 21,000. सो लगभग 5,000 किलोमीटर चला हुआ है मैंने ये गाड़ी 1.5 साल में. तो या एंड मैंने इस बाइक पे अभी ज़्यादा लॉन्ग टूर नहीं किया. एक बार ही मैंने ये बाइक लेके आसनसोल किया था, तो उस टाइम पे अराउंड मुझको मतलब मैंने उतना टाना नहीं गाड़ी को, एक सर्टेन स्पीड पे चलाया ऑलमोस्ट 90, 100, 110. तो उसमें इस गाड़ी ने मुझको माइलेज दिया नियरली 30-31 के आसपास. एंड लोकल में ये गाड़ी मुझको माइलेज देता है 25 के आसपास. तो यही बात है. तो कंक्लूशन पार्ट ऑफ दिस वीडियो, मगर मतलब आपके पास अगर बजट कम है, मतलब 1 से 1.5 लाख रुपया है, और आपको 400 सीसी का एक कोई गाड़ी लेना है, तो आपका पास एक मतलब दो ऑप्शन है एक्चुअली. एक है डोमिनर, आप डोमिनर ले सकते हो, वो 1.5 लाख पे आ जाएगा. और BS3 ड्यूक और ये RC आपको 1.5 लाख में आ जाएगा. मतलब सिंगल सिलेंडर गाड़ी, मतलब सिंगल सिलेंडर बाइक, बट इसका और ड्यूक का जो रॉ पावर है वो डोमिनर आपको नहीं देगा. लेकिन डोमिनर में जो है आपका मतलब टूर करने का एक अलग मज़ा है, तो वो शायद ये गाड़ी नहीं दे पाएगा. लेकिन ये एक ट्रैक फोकस गाड़ी है, मतलब लाइक मतलब यू फील लाइक यू राइड अ सुपर बाइक, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग. इफ़ यू वॉन्ट टू देन यू कैन गेट दिस थिंग लाइक अराउंड 1 to 1.25 यू कैन गेट BS3 RC और ड्यूक. बट अगर आपका मतलब BS4 लेना है तो थोड़ा सा और आपका बजट को थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा. तो यही बात है.
और मेरा जो पहला सर्विस था उस पहला सर्विस में मेरा को नियरली 15,000 के आसपास खर्चा आया था, लेकिन ये अभी मैंने दूसरा सर्विस किया, अभी एक साल में मैं एक बार ही सर्विस कराता हूँ क्योंकि मैंने ये गाड़ी उतना चलाता भी नहीं, तो इस सर्विस पे मेरा उतना खर्चा नहीं आया, ऑलमोस्ट 3,500 का लगभग खर्चा आया, तो 3,500 to 4,000 का खर्चा आएगा ही आएगा क्योंकि ये 390 cc एक मतलब KTM का गाड़ी है, तो इतना तो मतलब खर्चा आएगा ही। तो मैंने ये जो रीसेंट सर्विस है, रीसेंट सर्विस में सिर्फ मोबिल चेंज किया और रियर ब्रेक शू चेंज किया था और कुछ नहीं, और मतलब एक जनरल चेकअप, कूल एंड टॉप अप लाइक दिस थिंग। तो ये गाड़ी का एक मतलब रूटीन सर्विस में नियरली 3,000 का आसपास, 3,000 to 5,000 का आसपास खर्चा आएगा ही आएगा, तो यही बात है। और अभी मैं मतलब रोड पे हूँ, NH6 यू कैन सी, तो इसलिए इतना रोड नॉइज आ रहा है, सॉरी फॉर दैट। तो मतलब अभी मैं एक्चुअली जो वीडियो बना रहा हूँ वो कार के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो ये एक मेरा वीडियो रह गया था बनाना, तो इसके लिए ही मैंने ये वीडियो मतलब कर दिया। ऑल्सो इट्स लाइक अ मेमोरी यू कैन से, जब मैंने बाइक लिया था उस टाइम पे मतलब मैं यूट्यूब में उतना एक्टिव नहीं था, तो उसके लिए मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाया था उस टाइम पे, और ऑल्सो बाइक का मॉडिफिकेशन के लिए भी मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाया, सो यही बात। और हाँ, और एक चीज़ मतलब मैं ये बाइक मॉडिफिकेशन में और भी एक चीज़ किया था, वो जो है वो ऑटोफाई का एक हाईवे इंडिकेटर फ्लैशर लगाया, एक मिनट देख लो, इसका भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है, सो दिस इज़ द थिंग। एंड द नंबर इज ऑल्सो मीन स्पेशल नंबर 2008, जो प्रीवियस ओनर था उसका मतलब 2008 में कुछ था स्पेशल, सो इसके लिए वो एक्चुअली ये 2008 वाला नंबर लिया था। एंड दिस इज़ द मॉडिफिकेशन ऑटोफाई हाईवे फ्लैशर, ऑलरेडी आई इंस्टॉल दिस थिंग एंड ऑल्सो आई पोस्टेड अ वीडियो ऑन दैट थिंग, आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। एंड मैंने और मॉडिफिकेशन में ये स्टिकर किया, इस साइड पे जो KTM का पूरा स्टिकर था वो स्टिकर मैंने मतलब उठा दिया, सिर्फ ये KTM का जो लाइन है ऑरेंज वो रखा, एंड इस साइड पे भी स्टिकर है एंड दूसरा साइड पे भी स्टिकर है, ये देख लो पूरा स्टिकर, एंड हर नाम इज टेल, या तो दिस इज ऑल अबाउट KTM RC390 BS3, यू कैन से रिव्यू छोटा सा, मतलब ये 1.5 साल में मेरा जो एक्सपीरियंस है मैंने यो वही वीडियो में बोलने का कोशिश किया, सो दिस इज़ द थिंग, थैंक यू। सो या वन मीन्स टू अनदर थिंग एक्चुअली आई फॉरगेट टू टेल, दिस स्मॉल थिंग आई ऑल्सो मीन इंस्टॉल एंड आई ब्रॉट इट फ्रॉम स्पेयर मार्केट, दिस इज अ ब्रेक कैलिपर गार्ड यू कैन से, और मीन दैट रिवर्स चेम्बर यू कैन से चेम्बर गार्ड, इट्स नॉट अ गार्ड एक्चुअली, इट्स अ छोटा सा डिज़ाइन है KTM, इधर लिखा है RC390। सो दिस इज थिंग एंड अनदर थिंग इज दैट स्टैंड राइजर, बट ये कुछ काम का चीज़ नहीं है, थोड़ा सा ही राइज होता है आपके लिए एकदम छोटा सा। दिस इज ऑल्सो आई ब्रॉट इट फ्रॉम Amazon लाइक 750 rupees nearly।